नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। सहारनपुर के गंगोह की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर पिछले दिनों बदमाशों ने एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया था। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पहले गोली मार दी जेरे को धर्मेंद्र ने, अब उसमें हमने नामदार रिपोर्ट भी कर रखी, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक आदमी को उठाया था, वही पुलिस ने चलान करके भेज दिया। धर्मेंद्र दारू माफिया है, वो पहले केस में अपनी जवान तलवा के जेल में चला गया गोली मार के। अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम यहाँ धरने बैठे और कोतवाल साहब मार दिए गए, अगर नहीं उठोगे तो हम तबंदर कर देंगे। हमने कहा क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है पुलिस उसे रिमांड पर लावे, पूछताछ करे, हथियार बरामद करे उनसे। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो भी सुनिए। घटना हुई थी, इसमें ट्रक में कुछ सवार लोगों ने इनका बेटा ट्रैक्टर चला के ले जा रहा था, उसमें उसको एक कट्टर से फायर कर गया और उसको घायल किया था। एक और था साथी में, उसको भी सरिया दिया बीमारी। बाद में फिर उन लोगों को जाकर के ट्रक को पब्लिक के जरिए पहुँच करके उसे पकड़ा दिया गया। चालक और ट्रक एक अभियुक्त भी उसी समय उसी दिन गिरफ्तार किया गया। इनकी बताने के अनुसार दूसरा कोर्ट में हाजिर हो चुका है और अन्य भी उसकी भी तलाश जारी है। जल्द ही इसका पर्दाफाश कर करके और जो भी इसमें स्थिति होकर सामने आएगी न्याय दिलाई जाएगी। सर, ऐसी क्या बात हुई जो लोग धरने बैठे हैं? अब ये चूंकि इनकी मंशा है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द उसको किया जाए, लेकिन लगे हम लोग प्रयासरत हैं और हम इनकी अपेक्षाओं के अनुरूप खड़े उतरे हैं। बहुत जल्द ही पर्दाफाश। आपको बता दें कि चार दिन पूर्व गांव वजीरपुर निवासी किसान अमित अपने साथी मुनीश के साथ गेहूं बेचकर गांव वापस लौट रहा था। रात्रि में 1 बजे के लगभग किसान अमित पर आधा दर्जन बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे किसान अमित गोली लगने से और साथी मुनीश सरिया लगने से घायल हो गए थे। तभी गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसको देखकर बदमाश भाग खड़े हुए थे। योगी सरकार शिकायतों के निस्तारण के चाहे जितने बड़े वादे करें, लेकिन जो समस्या जीरो ग्राउंड पर है वो समस्या आज भी जन समस्या बनी हुई है। और सरकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी से अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, घर बैठे ही पूरे मामले पर फर्जी गवाह दिखाकर और फर्जी तरीके से उसका निस्तारण कर अपने कार्य को इतिश्री कर देते हैं।